हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जुकीनी फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा तेल गरम कर लिया है। अभी इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, आधा टीस्पून सरसों, आधा टीस्पून जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये एक छोटा सा प्याज लिया है और इसे रफली काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक हम भून लेंगे। प्याज को हमने 2-3 मिनट तक भून लिया है, बस इसका कच्चापन चला जाए इतनी ही देर हम इसे भून लेंगे। इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैंने एक छोटी सी जुकीनी ली है और इस तरह के पीसेस में इसे काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम गैस फ्लेम स्लो कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा नींबू का रस। मैंने ये एक छोटी सी हरी मिर्ची ऐसे पीसेस में काटी है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए, ये जुकीनी फ्राई तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।